हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर देखाऊंगा कि ये जो मार्केट का लोकल किट है, तो ये सीआरटीएक लोकल किट, इसका प्रॉब्लम है सेट ऑन नहीं हो रहा है, क्यू ऑन नहीं हो रहा है। चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करूंगा, आपको कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसलिए मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया और ये पीसीबी को कुछ भी पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन नहीं किया, ये मैं बाहर टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई देके फर्स्ट कुछ वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि ईएसटी सप्लाई बन रहा है कि नहीं। ईएसटी पर जो वोल्टेज जाता है, यहाँ पर ईएसटी पर वोल्टेज 66 वोल्ट, अब मीटर पर नोट कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। ईएसटी सप्लाई 66 वोल्ट, रेजिस्टेंस का पहले 67 वोल्ट, ठीक है। ये डायोड का पास्ट 67 वोल्ट। चलिए दूसरा सप्लाई जो वर्टिकल आईसी पर और डाइवर्स सप्लाई पर जाता है 4.5 वोल्ट, ये सब वोल्ट डाउन है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेगुलेटर सेक्शन पर सप्लाई जाता है 5.5 वोल्ट। और चलिए ये साउंड आईसी पर जो सप्लाई जाता है, देखिए 6.2 वोल्ट, मतलब इसका सभी आउटपुट वोल्टेज डाउन है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो कैसे रिपेयर करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सेक्शन का प्रॉब्लम है, ये पावर सेक्शन का प्रॉब्लम है कि इसका आउटपुट सेक्शन का प्रॉब्लम है। और उसका साथ आपको देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर है कि नहीं है। अब देख सकते हो 12 वोल्ट का आसपास कैपेसिटर का अंदर चार्ज स्टोर है, इसका मतलब ये नॉर्मल है, मतलब पावर सेक्शन ओके ये लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है पावर सेक्शन ओके है। तो इसीलिए कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन ये सेकेंडरी साइड का ही फॉल्ट हो सकता है, तो इसीलिए फर्स्ट जो होता है कि ईएसटी सेक्शन का अंदर शॉर्ट हो सकता है। जो सप्लाई ईएसटी जो डायरेक्ट 110 वोल्ट लाइन से जो सप्लाई जाता है, ये ओपन करने के बाद पता चल जाएगा। और जो दूसरा, ये जो सेकंड नंबर डायोड है जो वर्टिकल सेक्शन पर सप्लाई जाता है, ये वर्टिकल आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये आईसी ओपन करके आप चेक कर सकते हो, ये जो सप्लाई, ये रेगुलेटर सेक्शन पर ये सप्लाई जा रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर दो सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। और यहाँ पर ये नीचे वाला एक डायोड है, यहाँ से सप्लाई जाता है, देखिए नीचे ये साउंड आईसी पर, साउंड आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। बट ये लोकल किट का अंदर साउंड आईसी शॉर्ट होने का रीजन से भी इतना सप्लाई ड्रॉप नहीं होता है, तब भी मैं ये सब देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखूंगा ईएसटी सप्लाई ओपन करके, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ईएसटी सप्लाई लाइन का अंदर एक डायोड है, सॉरी रेजिस्टेंस है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ईएसटी सप्लाई लाइन का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को फर्स्ट ओपन कर दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, ठीक है, आपको प्रैक्टिकली वीडियो के अंदर रिपेयर करके दिखाऊंगा। देखिए ईएसटी सप्लाई, ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया। तो अभी आउटपुट पर 100 वाट बल्ब लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज टेस्ट करना पड़ेगा अभी ईएसटी सप्लाई ओपन करने के बाद। चलिए मीटर को यहाँ पर मैं रखा हूँ और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई मैं दे दिया, ईएसटी सप्लाई अभी ओपन है, यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है आप देख सकते हो, 67 वोल्ट सेम वोल्ट है, ठीक है। मतलब ईएसटी सप्लाई ओपन, यहाँ से मैं काट दिया, यहाँ पर 0 वोल्ट है और यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, मतलब दोस्तों इसका ईएसटी सेक्शन सही है। सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया, इसका वोल्टेज सही नहीं बन रहा है। उसके बाद क्या टारगेट करना पड़ेगा कि ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, ये वर्टिकल आईसी को ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपका सामने वर्टिकल आईसी को ओपन करके देखूंगा, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई को मैं अभी ऑफ किया। तो वर्टिकल आईसी का फास्ट, ये जो इधर साइड 3 पिन है, इसका ऊपर और नीचे और इसका मिडिल पिन नेगेटिव है, ये 3 पिन को ओपन करके एक बार देखूंगा, ठीक है। पूरा आईसी को ओपन करने का ज़रूरत नहीं है, तो अब थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका सामने प्रैक्टिकल करके देखूंगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, इसी तरह शॉर्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, मैं कुछ वीडियो के अंदर आपको बताया, प्रैक्टिकल भी बहुत वीडियो इसी तरह मिल जाएगा, तब भी इसी तरह आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो 3 पिन है, ये 3 पिन को मैं ओपन कर दिया अभी,
चलिए अभी इसी टाइम एक बार सप्लाई देकर देखना पड़ेगा, ठीक है। मीटर का चलिए मैं यहाँ पर रखता हूँ और सप्लाई देख के दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और अभी एक बार वोल्टेज टेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अभी देखिए वोल्टेज 110 आ गया ESC सप्लाई लाइन के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और इसका अलग अलग नॉर्मल वोल्ट आप देख सकते हो। देखिए वर्टिकल सप्लाई 26 आ गया, ठीक है। रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई देखिए 10 वोल्ट पॉपर आ गया। साउंड आईसी सप्लाई देखिए 15 वोल्ट के आसपास आ गया, मतलब इसका सभी वोल्ट सही हो गया। इसका मतलब ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट है।